झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो और झूठ फैलाओ, दुष्प्रचार करो। कि शब्द नरेंद्र मोदी के हैं और संस्कार आरएसएस का है। स्मृति ईरानी जी ने एक निहायत ही निम्न स्तरीय ओछा वक्तव्य दिया। असलियत यह है कि अडानी मोदी के संबंधों की परत खुल रही है। आपने देश की संसद को, देश के लोकतंत्र को गिरवी रख दिया कि अडानी बच जाए। लेकिन स्मृति ईरानी जी से मेरे कुछ सवाल हैं। आप विक्टिम कार्ड क्यों खेलती हैं? विक्टिम वो महिला है जो सरसों का तेल 90 पर था, आज 200 पर खरीद रही है। भाजपा का सांसद, एक महिला सांसद और एक महिला विधायक को वैश्या कहता है। सूरज की रोशनी छुप नहीं सकती किसी बादल से। और अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने एक निहायत ही निम्न स्तरीय ओछा वक्तव्य दिया। मैं उनका जवाब देने नहीं आई हूं, लेकिन कुछ सच बयां करने आई हूं। और उस वक्तव्य को सुनकर मुझे एक ही चीज लगी कि शब्द नरेंद्र मोदी के हैं और संस्कार आरएसएस का है। और वो शब्द है झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो और झूठ फैलाओ, दुष्प्रचार करो। ये शब्द नरेंद्र मोदी जी के हैं और ये संस्कार आरएसएस के हैं। जो ट्रेनिंग स्मृति जी की झूठ बोलने के लिए हुई है, उसका पर्दाफाश करना जरूरी है। असलियत ये है, लगातार झूठ बोलकर मुद्दे से ध्यान भटकाना है। असलियत ये है कि अडानी मोदी के संबंधों की परत खुल रही है और जनता देख रही है, जनता समझ रही है क्या हो रहा है। जो रंगी पोती एक इमेज बनाई गई थी, जो खोखली इमेज खड़ी गई थी, उसका सच सबके सामने आ रहा है। आज दिक्कत यह है कि अडानी पर जो सवाल राहुल गांधी जी ने संसद में पूछे थे और वो सवाल आज भी जायज है, उनका जवाब नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास या नरेंद्र मोदी जी के पास। और उन सवालों से ध्यान भटकाने के लिए अनर्गल बातें कही जाएंगी। आज जनता वो सवाल पूछ रही है, आज जनता के मन में आ रहा है, ये क्या अडानी से संबंध है, ये कौन सी प्रेम कथा है कि सारी की सारी सरकार हर मर्यादा, हर लोक लाज को ताक पे रखकर अडानी के बचाव में उतरी हुई है। अरे मोदी का बचाव कर लीजिए तो हम समझते हैं, अडानी का बचाव करने के लिए हर सांसद, हर मंत्री, देश के प्रधानमंत्री तत्पर हैं। आपने देश की संसद को, देश के लोकतंत्र को गिरवी रख दिया कि अडानी बच जाए। लेकिन आज वही जनता के मन में यह सवाल है और वो जनता पूछ रही है, ऐसा कौन सा रिश्ता है, ये क्या दिक्कत है अडानी की जो बचाने के लिए सारी सरकार खड़ी हुई है। और आपको लगता है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करके आप उनकी आवाज को दबा देंगे, आप उनको चुप करा देंगे, तो यह आप मुगालते में हैं। आप उनका घर ले लेंगे, वो तो कहते हैं मेरा कभी घर था ही नहीं। और जो शख्स हर कीमत पर लड़ने को तैयार है वो आपको भयभीत करता है। उनके वक्तव्य में मुझे डर नजर आया, उनके वक्तव्य में मुझे बौखलाहट नजर आई, उनके वक्तव्य में मुझे घबराहट नजर आई कि ये क्या, इतना कुछ करने के बाद भी अडानी के संबंधों पर दर परत खुलती जा रही है, कलई खुलती जा रही है, सच सामने आता जा रहा है। आपकी अडानी पर चुप्पी, आपका संरक्षण, आपकी एजेंसियों का जो बिल्कुल चुप मौन रहना है अडानी पर, वो सारी जनता समझ और देख रही है। लेकिन स्मृति ईरानी जी से मेरे कुछ सवाल हैं और वो सवाल लाजमी है। एक महिला मंत्री है, महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है, मजबूत नेता है भारतीय जनता पार्टी की, आप विक्टिम कार्ड क्यों खेलती हैं? यू आर नॉट अ विक्टिम, आप किसी तरह से विक्टिम नहीं है। आप एक सशक्त महिला है, आप मंत्री है, सांसद है, आपसे ज्यादा मजबूत कौन है? आप विक्टिम कार्ड क्यों खेलती हैं? क्योंकि विक्टिम तो वो महिला है जो 400 रुपए का सिलेंडर आज 1200 पर ले रही है। विक्टिम वो महिला है जो आटे पर जीएसटी दे रही है। विक्टिम वो महिला है जो सरसों का तेल 90 पर था, आज 200 पर खरीद रही है। विक्टिम वो लोग हैं। आप महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है ना स्मृति जी, मेरा आपसे एक सवाल है। आप लखीमपुर के चीरहरण पर चुप रहती हैं, आप शाहजहांपुर के यौन शोषण पर चुप रहती हैं, आप हाथरस में गुड़िया को रात को जला दिया जाता है मिट्टी का तेल डालकर, आप चुप रहती हैं।
लेकिन आपके बगल में बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का सांसद एक महिला सांसद को, एक महिला विधायक को वैशाली की नगर वधु वेश्या बुलाता है और आप चुप रहती हैं। कब माफी मांगिएगा आप इस देश से? आज कहने का वक्त है, खड़ी होइए और माफी मांगिए इस देश से। महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं आप, ये आपकी नैतिकता है? आपके बगल में बैठा हुआ सांसद, भाजपा का सांसद, एक महिला सांसद और एक महिला विधायक को वैश्या कहता है और आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है? आप अंकिता ठाकुर पर चुप रहती हैं, आप तमाम ऑन रेप केसेस पर चुप रहती हैं जहां पर आपके लोग संलग्न हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछती हूं, संसद में बैठकर, संसद की गरिमा को भंग करके, मर्यादा को तार तार करके आपका एक सहयोगी एक महिला सांसद को और एक महिला विधायक के लिए शब्द का प्रयोग करता है जिसको सुनने से पहले इस देश की हर महिला लज्जित होती है, आप चुप रहती हैं? आप विक्टिम नहीं है, आप विक्टिम बिल्कुल नहीं है। विक्टिम इस देश की महिलाएं हैं, विक्टिम आज मध्यम वर्ग है जो महंगाई से जूझ रहा है, विक्टिम इस देश का युवा है जिसके पास नौकरी नहीं है। आप विक्टिम प्लेकार्ड प्ले करिएगा। आपकी घबराहट और बौखलाहट में मुझे अडानी का बेनकाब होता हुआ सच नजर आता है। मुझे हर कीमत पर अडानी को बचाने की आपकी, आपके प्रधानमंत्री की, आपके मंत्रियों की, आपके सरकार की मंशा और प्रतिबद्धता नजर आती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच को कितना भी छुपाओ वो और उतनी ही दुगनी ताकत से उभरता है। सूरज की रोशनी छुप नहीं सकती किसी बादल से, और अडानी का सच आज ये देश समझ रहा है, देख रहा है। आपका सारा तंत्र, आपकी एजेंसियां, आपके लोग और आप खुद लगातार राहुल गांधी जी के पीछे पड़े हुए हैं। वो एक व्यक्ति जो सच बोल रहा है, वो एक व्यक्ति जिसने वाकई में आपको व्यथित करके रख दिया है। मैं पूछना चाहती हूं आपसे, कब अडानी पर बोलिएगा? कब आपकी एजेंसियां जांच करेंगी? अडानी पर ये मौन व्रत क्यों है? चार ही सवाल तो पूछे अडानी पर, कैसे 609 नंबर से 2 नंबर पर आए? विदेश यात्रा में कहां कहां गए जहां पर उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला? SBI और LIC का पैसा क्यों लगाया गया जो पैसा डूब गया? आज पूछना बनता है कि क्या देश की महंगाई, देश की बेरोजगारी, देश की आर्थिक असमानता, महिलाएं, चीन मुद्दा नहीं रह गया है? आप अडानी को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसलिए बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि शब्द आज सवेरे नरेंद्र मोदी के थे और ट्रेनिंग RSS की थी। क्योंकि स्मृति ईरानी जी, विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए, आप विक्टिम नहीं हैं, आप एक सशक्त महिला हैं। अडानी पर जवाब दीजिए, अडानी पर अपनी सरकार को बोलिए जांच कराएं, अडानी पर आपकी चुप्पी लोकतंत्र की हत्या करती है और लगातार हत्या करती है। और मैं अंत में एक बात जरूर कहूंगी, और ये बात कहनी जरूरी है, आपको लगता है राहुल गांधी जी चुप हो जाएंगे? जो सवाल सदन में खड़े होकर राहुल जी पूछ रहे थे, वो सवाल आज इस देश का हर व्यक्ति पूछ रहा है। अडानी और आपका रिश्ता क्या है? अडानी पर मोदी चुप क्यों है? अडानी पर जांच कब होगी? और अडानी को बचाने के लिए सारी सरकार क्यों तुली हुई है?